हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। साउथ की फिल्मों के हल्ले के बीच अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 थिएटर पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने बॉलीवुड की इज्जत बचाने का काम किया है। फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बेसिक पर है, जिनके डायरेक्टर अजय देवगन है, प्रोड्यूसर भी अजय देवगन है और मेन लीड भी अजय देवगन ने किया है। फिल्म की कहानी 2015 में दोहा से कोचीन आ रही जेट एयरवेज की फ्लाइट पर हुई सच्ची घटना, जो कि खराब मौसम के कारण पायलट और कंट्रोल टावर से बात नहीं हो पा रही थी, जिनकी वजह से प्लेन क्रैश होने का डर बना हुआ था, लेकिन पायलट की समझदारी ने हादसे होने से बचा लिया। फिल्म में अजय देवगन विक्रांत खन्ना के नाम के स्टाइलिश पायलट के किरदार में है, वहीं बेहद टैलेंटेड रकुल प्रीत सिंह उनकी को पायलट के किरदार में है। फिल्म में पैसेंजर से भरी फ्लाइट दुबई से लेकर कोचीन पहुंचते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्लेन को लैंड करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में विक्रांत प्लेन को बेंगलोर के बजाय त्रिवेंद्रम में उतारने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन वहाँ लाख कोशिशों के बाद भी टीम प्लेन लैंड नहीं कर पाती है। विक्रांत एक एक्सपीरियंस पायलट है, वो अपनी कोशिशों से रनवे 34 में प्लेन की लैंडिंग कराते हैं। इस लैंडिंग के साथ फिल्म में आती है ट्विस्ट। यहाँ उसके काम की सराहना करने के बजाय उनमें इंक्वायरी की जाती है। कोर्ट में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनके लाइसेंस रद्द करने की बात की जाती है। आखिर क्या हुआ था प्लेन में, आखिर लैंडिंग के बाद भी इंक्वायरी क्यों होती है, फिर पायलट का क्या हुआ, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ कमाल का है। हवा में एक्शन होता है और एक एक फ्रेम हिला डालने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्लाइट में हैं और ये जो हो रहा है ये आपके साथ हो रहा है, आपको सीट से हिलने का मौका नहीं मिलेगा। सेकेंड हाफ में कोर्ट रूम ड्रामा है और वो थोड़ा स्लो है, यही इस फिल्म की इकलौती कमी है। एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन ने एक्टिंग कमाल की है। अजय देवगन ने इस बार सिर्फ आंखों से ही एक्टिंग नहीं की है, बंद आंखों से भी एक्टिंग की है। देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन पायलट के किरदार में अच्छे लगे हैं। अजय देवगन की खामोशी भी कमाल की लगती है। अजय ने यहाँ वो हीरो वाला अंदाज नहीं दिखाया है, जो सब कुछ मिनटों में फटाक से ठीक कर देता है। यहाँ किरदार की डिमांड के हिसाब से उसे अंडरप्ले किया गया है और यही इस किरदार को जानदार बनाती है। अमिताभ बच्चन सेकेंड हाफ में आते हैं और कमाल की एक्टिंग करते हैं। बिग बी और अजय के बीच की डायलॉग बाजी जबरदस्त लगती है। को पायलट के रोल में रकुल प्रीत काफ़ी अच्छी लगी है। रकुल प्रीत ने दिखा दिया कि ग्लैमर्स के रोल में ही नहीं, वो परफॉर्मेंस वाले रोल में भी अच्छे से कर सकती है। एक सीन में अमिताभ बच्चन उन पर चिल्लाते हैं और जिस तरह से रकुल प्रीत डरती है उसे देखकर आपको भी डर लगेगा। बोमन ईरानी ने अजय देवगन के बॉस का किरदार किया है और कमाल का काम किया है। फिल्म में यूट्यूबर कैरी मिनती, जिनका नाम अजय नागर है, उनकी छोटी सी रोल एक पैसेंजर के रूप में है, जिनकी एक्टिंग जैसे वो रियल में होते हैं वैसे ही है। एंड थैंक गॉड यहाँ उन्होंने गालियाँ नहीं दी है। फिल्म को डायरेक्ट अजय देवगन ने किया है और अजय ने अच्छा काम किया है। एक एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर बैलेंस अच्छे से बिठाया है और यहाँ अजय को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि बॉलीवुड वाले कुछ नया नहीं करते हैं, यहाँ कोशिश अच्छी की गई है कुछ नया करने की, ओरिजिनल करने की ये कोशिश अच्छी है। मूवी फुल पैसा वसूल है, जाकर देखो आप। इसमें एक बात अच्छी लगी, इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है। मैं इस मूवी को देती हूँ 5 में से 4 स्टार। फिल्म में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। कुछ टाइम बाद मूवी प्राइम वीडियो में भी आ जाएगी, फिलहाल आप थिएटर पर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दो यार।